हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं साइट सीइंग के लिए। आज मेरा पहला दिन है साइट सीइंग का बार्सिलोना में, और अभी हम खड़े हैं सागरादा फैमिलिया के सामने। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है सागरादा फैमिलिया, ये है बार्सिलोना में, और आज हम इसमें जाने वाले हैं, अंदर देखने वाले हैं अंदर क्या क्या है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू है अभी, तो आप जैसे ऊपर देख रहे हो इसका काम चल रहा है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा। तो हम सोच रहे कि आज हम इसे देखेंगे और एक साल बाद फिर से हम एंटर करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कितना काम ख़त्म हुआ है। तो अंदर जाने के लिए पहले हमें टिकट बाय करना पड़ेगा, तो इसके फ्रंट में ही एक टिकट गेट है, वहाँ से हम अभी टिकट बाय करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। उन्होंने ये है टिकट काउंटर, बट इन्होंने टिकट काउंटर बंद करके रखा है, और यहाँ पर इन्होंने ये बार कोड लगा के रखा है, और फ्री वाईफाई जोन है, तो हमें यहाँ पर इस वाईफाई से कनेक्ट करना है और उसके बाद टिकट बाय करना है ऑनलाइन। तो अभी फुजिता सान टिकट बाय कर रहा है। तो एक टिकट है 26 यूरो का। तो जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑनलाइन टिकट्स बाय कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू ही, तो ये काफ़ी सही चीज़ है कोरोना से बचने के लिए कि काउंटर पे सब लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही टिकट बाय कर लो। तो अभी हमने दो टिकट बाय की है एप्लीकेशन से, और इस टिकट के साथ में ही ऑडियो बुक भी रहेगा, क्योंकि अंदर जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो ऐप के थ्रू, ऑडियो गाइड के थ्रू वो इंग्लिश में बताने वाले हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर जो एंट्री होती है वो स्लॉट्स में होती है, तो हमें स्लॉट मिला है 10:15 का। एक्चुअली फुजिता उसके ऐप से टिकट बाय कर रहा था, बट हो नहीं रहा था, कुछ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने ट्राई किया तो 10:15 का हमें स्लॉट मिला है, और पीछे लाइन लगी है, तो अभी हम लाइन में खड़े रहने वाले हैं। सिक्योरिटी चेक इन हो रही है, और जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन होती है उसी तरीके से हमें यहाँ अभी करना है, एंड उसके बाद हम अंदर एंटर कर पाते हैं। तो अभी हमने अंदर एंटर किया है सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद। तो अभी यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने ऑडियो गाइड दिया है एप्लीकेशन के अंदर, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग एरिया में जाके आप वो ऑडियो बुक सुन सकते हो जो कि इंग्लिश में है, और इसकी जो हिस्ट्री है उस ऑडियो बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने कानों में हेडफोन लगा के रखा है, तो मैं साइट सीइंग भी कर रहा हूँ और साथ में भी मैं ऑडियो बुक सुन रहा हूँ जिसमें कि वो हिस्ट्री के बारे में मुझे बता रहे हैं। तो इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन किया था उस बंदे का नाम था एंटनी गाउडी। तो ये आर्किटेक्चर था, उसने 19th century में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, और अभी स्टिल उसका कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और 2026 में शायद ये कंप्लीट होगा। तो अभी हम जस्ट उसके सामने खड़े हैं और अभी हम अंदर एंटर करने वाले हैं। आप डोर देख रहे हो, ये आप सरप्राइज होंगे, बट ये डोर बनाया है जैपनीज स्कल्पचर ने, उसका नाम है इचिरो सातो। तो उसने 1978 में ये डोर बनाए थे। तो यहाँ पर ये 1, 2 और इस साइड भी 2 डोर हैं, ये है तीसरा और ये है चौथा, ये 4 डोर उसने बनाए थे। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और जैसे आप देख रहे हो कि चर्च कितना बड़ा है, ऊपर आप देख रहे हो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, और काफ़ी सारे पिलर्स हैं इसके अंदर, और वहीं एंड पर आप देखोगे कि जीसस का स्टैचू है। तो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा करीब से बताऊँगा। तो अभी हम थोड़ा अंदर वॉक करते हैं, और जो टूर गाइड है, ऑडियो गाइड है, वो भी मैं सुन रहा हूँ, थोड़ा मुझे पता नहीं यहाँ पर इनकी हिस्ट्री क्या है, वो सुन के ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इनकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे बना, और यहाँ पर जो स्कल्पचर अंदर बने हुए वो क्या सिग्निफाई करते हैं। तो जो आर्किटेक्चर था एंटनी गाउडी, उसने इस चर्च को एक फॉरेस्ट की तरह बनाया है, तो अंदर जितने भी पिलर है वो एज अ ट्री है, और ये एक फॉरेस्ट है, जो चर्च है ये फॉरेस्ट है, और जो जितने भी अंदर पिलर्स बने हुए ये एज अ ट्री है, और जैसे आप देख रहे हो ये जो पिलर्स है उस
जिसको ब्रांचेस है, तो दिस इज़ अ ट्री और उसके जो ब्रांचेस है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं सीलिंग को। और आप उस विंडो पे देख रहे हो ऑरेंज कलर का ग्लास और इस एंड पे आप देख रहे हो ब्लू कलर का ग्लास, तो इस साइड से सनराइज होगा और ये ब्लू ग्लास जो है इसमें से रेज आएंगे। और जो ऑरेंज कलर के इस साइड में आप देख रहे हो ग्लासेस, ये जब सनसेट होगा तब ऑरेंज कलर के रेज अंदर एंटर हो गए। तो आप देख रहे हो कि तो जो आर्किटेक्चर था उसने किस तरीके से इसको प्लान किया है बनाने के लिए। उसके बाद आप देख रहे हो हर एक पिलर पे इस तरीके से साइन लगा हुआ है, तो ये है लायन, उसके बाद यहाँ पर है एंजल, और यहाँ पर है जो कि मुझे पता नहीं क्या है, और इस साइड में भी एक लगा हुआ है, ये भी मुझे पता नहीं क्या है, तो ये भी सिग्निफाई करते हैं कुछ। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मेन एंट्रेंस, मेन गेट अंदर एंटर करने के लिए चर्च के, बट अभी ये बंद है क्योंकि इसका काम चल रहा है। तो इसके ऊपर आप जो देख रहे हो ये प्रेयर इसके ऊपर लिखी हुई है, और इसके आसपास ही 50 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो ये जो गेट है ये सिग्निफाई करता है वेलकम, तो जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, विजिटर यहाँ पर आएंगे, उनके वेलकम के लिए ये गेट इन्होंने बनाया है, ये प्रेयर इसके ऊपर लिखी हुई है। तो आप ये स्टैचू जो देख रहे हो, एक दो तीन और चार, ये चार स्टैचू है, दो उधर भी है। तो ये जो चार स्टैचू है ये अभी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, बट जब पिलर बनेंगे, जो चार मेन पिलर है जैसे कि यहाँ पर इस रोड पे दिया हुआ है, ये जो चार मेन पिलर है ये बनने के बाद इनको उस पर अटैच किया जाएगा, बट अभी इन्होंने एग्जीबिशन के लिए यहाँ पर इसको रखा है। तो इनके नाम भी है शायद, इसका नाम है मार्क, उसका नाम है मातेऊ, उसका नाम है जॉन, और लास्ट वाला आई थिंक आई कांट रीड। तो जैसे आप देख रहे हो सेंटर में ही जीसस का स्टैचू है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए प्रे करने के लिए, काफ़ी लोग रेज भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख रहे हो ये है एंटोनी गाउडी का स्टैचू जो कि बनाया है जोसेफ ने 1989 में। तो ये जो बंदा है जिसने ये पूरा बिल्डिंग, ये पूरा चर्च बनाया है, देख लो इसे गौर से। Anyway, the monument is like nature. So this is a tree on the like the so leaf and bees. What? So you are shy. That's why I'm secretly recording. तो अभी हम म्यूज़ियम में आए हैं जिसमें कि गाउडी ने जो भी आर्किटेक्चर बनाए हैं वो किस तरीके से बनाए हैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वर्कशॉप, तो जो बचा हुआ काम है साकरदा फैमिली का, यहाँ पर इंजीनियर्स है जो कि यहाँ पर उसको डिज़ाइन अभी कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सैम्पल देख रहे हो यहाँ पर टावर्स के सैम्पल्स हैं, और यहाँ पर 3D प्रिंटर लगा हुआ है, कुछ टूल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वो पूरा उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये सारे आर्किटेक्चर्स हैं, तो 1882 में स्टार्ट हुआ था सागरदा फैमिली का कंस्ट्रक्शन, 1883 में एंटोनी गाउडी ने इसको प्लान किया था, आर्किटेक्ट किया था, और उसके बाद में जब 1926 में गाउडी का डेथ हो गया था, उसके बाद में जो ये बाकी के आर्किटेक्चर है उन्होंने फिर इसको उसका काम कंटिन्यू किया, और अभी 2012 में करंटली अभी जॉर्डी फावली ओलर ये जो आर्किटेक्ट है वो अभी इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, डिज़ाइन कर रहा है। तो अभी हम बाहर आ गए हैं चर्च के, और म्यूज़ियम भी हमने अभी कंप्लीट कर लिया है देख के।
तो अभी हम जाने वाले हैं पार्क गोयल। तो यहाँ से आई थिंक वो आधा घंटा है बस से, और अभी बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढ के वहाँ लंच कर ले, और उसके बाद फिर हम पार्क गोयल जाने वाले हैं। और वो भी डिज़ाइन किया है गाउडी ने, तो जैसे कि आपने देखा है ये कंस्ट्रक्शन कितना बढ़िया है। तो अभी हम पार्क गोयल में जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे हम कि वो कंस्ट्रक्शन कितना बढ़िया है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।